कार्यक्रम में दीप जलाकर बुजुर्ग मतदाताओं ने दिखाया उत्साह। रंगोली के माध्यम से दिया मतदान करने का संदेश। सागर कलेक्टर आलोक कुमार सिंह की मौजूदगी में जिला स्तरीय मतदान केंद्र दीप श्रृंखला रोशन कार्यक्रम शासकीय विद्यालय में आयोजित किया गया। विधानसभा निर्वाचन 2018 में मतदाताओं को शत प्रतिशत मतदान कराने का लेकर जिले में स्वीप गतिविधि के अंतर्गत हर स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य विधानसभा निर्वाचन 2018 में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना था। कलेक्टर ने कहा कि दिवाली एवं दशहरा की तरह यह भी एक लोकतंत्र का त्यौहार है, लेकिन इस त्यौहार पर सम्मानीय बुजुर्ग मतदाताओं ने सहभागिता कर इसको विशेष बना दिया है। आज इन बुजुर्ग मतदाताओं ने निश्चित रूप से युवा मतदाताओं को प्रेरित किया होगा, क्योंकि अगर 90 वर्ष की उम्र में इस कार्यक्रम में भाग लेने आ सकते हैं तो हमारे युवा 28 नवंबर को मतदान केंद्र क्यों नहीं जाएंगे। उन्होंने परिसर में मौजूद सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि 28 नवंबर 2018 को लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता अपनी सहभागिता देते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें तथा लोकतंत्र के इस त्यौहार में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आयोजित मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम में जिला स्तरीय स्वीप आइकॉन विष्णु पाठक, मीनाताई पिंपलापुरे एवं बुजुर्ग मतदाता नगर निगम आयुक्त श्री अनुराग वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत चंद्रशेखर शुक्ला, कार्यक्रम का संचालन डॉ अमर कुमार जैन तथा आभार संस्था प्राचार्य डॉ वाईएस राजपूत ने माना। स्वीप सहायक नोडल अधिकारी डॉ जीएस रोहित, एचपी कुर्मी, आनंद मंगल बोहरे, नीलेश चौबे सहित बड़ी संख्या में युवा मतदाता, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। नीरज वैद्यराज, पत्रकार इन 7 न्यूज, सागर। और ये इस बात का प्रतीक है कि जिले के हर मतदान केंद्र पे हम लोगों को जागरूक करेंगे, सबको इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करेंगे। और साथ ही बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए इस अवसर पे आए हैं। बहुत से लोग जो 80 साल पूरा कर चुके हैं और जिन्होंने कई मतदान में अपनी भागीदारी निभाई है और नई पीढ़ी को ऊर्जा देने के लिए और उनको इसमें उत्साहित करने के लिए आए हैं। आज इस त्यौहार के अवसर पर मैं सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।